हेलो एवरीवन एंड आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ सैमसंग न्यू लॉन्च नियो क्यूएलईडी के बारे में। तो ये जो देख रहे हैं मॉडल है आपका 55 इंचेस का QN85C, ये नियो क्यूएलईडी टीवी है। तो ये टोटली न्यू टीवी है। तो आपने देखा होगा कि जो है नियो क्यूएलईडी सैमसंग की तरफ से बेस्ट टीवी माना जाता है। तो इस टीवी का खासियत क्या है मैं वो दिखाने जा रहा हूँ यहाँ पे। तो इस टीवी में आपको मिलती है ब्राइटेस्ट पिक्चर। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख पाएंगे इस टीवी में आपको देखने को मिलती है ब्राइटेस्ट पिक्चर। तो यहाँ पर देख सकते हैं कितना ब्राइट पैनल आपको देखने को मिलती है। तो यहाँ पर आपको मिल जाती है क्वांटम मिनी एलईडीज। तो क्वांटम मिनी एलईडीज में क्या होता है, जो यहाँ पे जो लाइट सोर्स है दैट इज क्वांटम मिनी एलईडीज, वो रेगुलर एलईडी जो इस्तेमाल होते हैं टीवी में उसी 40 times स्मॉलर एलईडी है, जिसकी वजह से नंबर ऑफ एलईडी ज़्यादा होने की वजह से यहाँ पे क्या होती है आपको जो पैनल देखने को मिलती है काफ़ी ब्राइट मिलती है। तो जो भी पिक्चर्स देखेंगे काफ़ी ब्राइट दिखेगा, कलर्स जो है आप मिस नहीं करेंगे। तो यहाँ पे सारे कलर्स आप काफ़ी क्लियरली आप इंजॉय कर सकते हैं। अगर मैं ब्लैक की बात करूँ तो ब्लैक भी काफ़ी अच्छा देखने को मिलता है। तो यहाँ पे आप कलर्स की बात करें, ब्राइटनेस की बात करें या फिर ब्लैक की बात करें, तीनों ही काफ़ी अच्छे मिल जाते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट जो है आपकी मैं बात करता हूँ यहाँ पे प्रोसेसर के ऊपर, तो यहाँ पे आपको मिल जाती है न्यूरल क्वांटम प्रोसेसर। न्यूरल क्वांटम प्रोसेसर बेनिफिट ये हो जाता है कि जैसे आप कोई भी कॉन्टेंट आज लाइक OTTs देखते हैं, टीवी देखते हैं, तो ये जो टीवी है ना काफ़ी अच्छा अपस्केल करता है। तो ये आपको जो टीवी है अपस्केलिंग में नो डाउट, अगर आप किसी भी सोर्स से पिक्चर देख रहे हैं आपको काफ़ी अच्छा 4K लेकर आपको पिक्चर क्वालिटी प्रोवाइड करेगा। और यहाँ पे अगर मैं बस बात करता हूँ साउंड को लेकर के, तो साउंड में आपको यहाँ पे इस टीवी में मिल जाती है डॉल्बी एटमॉस। जी हाँ, इनबिल्ट डॉल्बी एटमॉस है यहाँ पे। तो इसका बेनिफिट ये हो जाता है बिकॉज ये टॉप अप फायरिंग स्पीकर, सो फिजिकल अप फायरिंग स्पीकर के साथ आ रहा है, जिसकी वजह से क्या मिलेगा आपको ट्रू सराउंड साउंड इफेक्ट मिलेगा। तो ये क्या करेगा आपको सभी डायमेंशन साउंड एक्सपीरियंस कर पाएंगे। तो यहाँ पे कोई साउंड बार कनेक्टेड नहीं है, मैं दिखा देता हूँ यहाँ पे कि डॉल्बी एटमॉस चेक कैसे करेंगे। तो यहाँ पे मैं जाता हूँ सेटिंग पे, और सेटिंग में जाने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये हो गया आपका ऑल सेटिंग, और यहाँ पे जाएंगे साउंड, और साउंड में देख सकते हैं यहाँ पे आपको मिल जाती है डॉल्बी एटमॉस। तो ये जो डॉल्बी एटमॉस है यहाँ पे आपका एक्टिव है, वाई बिकॉज स्टीम इन बिल्ट डॉल्बी एटमॉस दिया जा रहा है। तो यहाँ पे कोई भी जो है आप कंटेंट प्ले करते हैं लाइक OTT से जहाँ पे मोस्टली डॉल्बी एटमॉस वाले हैं, तो आप ट्रू साउंड साउंड एक्सपीरियंस आप ले सकते हैं। नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे, तो आपको इस में आपको मिल जाती है वॉइस असिस्टेंट में आपको मिल जाती है यहाँ पे दो वॉइस असिस्टेंट मिल जाती हैं आपको। तो मैं सेटिंग में दिखा दे रहा हूँ जनरल वॉइस असिस्टेंट, और यहाँ पे देख सकते हैं आपको मिल जाती हैं बिक्सबी और अलेक्सा, ये दो वॉइस असिस्टेंट मिल जाती हैं। तो वॉइस असिस्टेंट इस टीवी में आपका टीवी को ऑपरेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं रिमोट के ऊपर माइक है, एज वेल एज यहाँ पे टीवी में भी इनबिल्ट माइक है, तो आप डायरेक्टली टीवी को भी कमांड दे सकते हैं और वॉइस कमांड के ऊपर आप टीवी को ऑपरेट कर सकते हैं। अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर डिज़ाइन का, तो ये टीवी जो है आपको अगर मैं डिज़ाइन की मैं बात करता हूँ, तो यहाँ पे आपको मिल जाती है तो फोर साइड बेजल इस आपको देखने को मिलती है। तो यहाँ पे अगर पास देख सकते हैं फोर साइड बेजल इस डिज़ाइन है, तो आपका फ्लॉलेस दिखता है कि अगर आप देखेंगे तो। और ये टीवी जो है काफ़ी स्लिम है, तो आपका जितना फ़ोन का जो थिकनेस होता है उतना ही ठीक है। तो अगर आप वॉल माउंट अप कर रहे हैं तो टीवी जो है आपका फ्रेम लाइक आपको एक्सपीरियंस देगा। तो टीवी को आप वॉल माउंट करते हैं टीवी जो है वॉल के साथ चिपका हुआ फील होगा, आपको लगेगा जैसे मैं फ्रेम लगा करके रखा हूँ। तो यहाँ पे मैंने आपको दिखाया लाइक पिक्चर हो गया, साउंड हो गया, आपका वॉइस असिस्टेंट हो गया, आपका टीवी का डिजाइन हो गया, और इसके साथ आपको मिल जाती है इको फ्रेंडली रिमोट। तो ये देख सकते हैं काफ़ी हैंडी है, देख सकते हैं आप सिंगल हैंड्स आप इजीली होल्ड कर सकते हैं। यहाँ पे आपको मिल जाती है सोलर पैनल जो खुद ही आपका रूम लाइट से चार्ज हो जाता है। आज हर किसी के पास सी टाइप चार्जिंग पोर्ट है, चार्जर है, मोबाइल चार्जर, आप उससे भी चार्ज कर सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं सी टाइप चार्जिंग पोर्ट के साथ आ रहा है, और यहाँ पे आपको मिल जाती हैं मेजर जो बटन बता दे रहा हूँ, ये पावर बटन हो गया, ये आपका हो गया वॉइस असिस्टेंट का बटन, ये आपका लेफ्ट राइट ऊपर नीचे, और ये ओके का बटन है, ये आपका हो गया पॉज एंड प्ले, ये आपका बैक हो गया, ये होम हो गया, ये वॉल्यूम अप एंड डाउन, और ये हो गया चैनल चेंज करने का। आपको यहाँ पे जो मेजर OTTs मिलती हैं लाइक नेटफ्लिक्स, प्राइम वीडियो एंड हॉटस्टार जो देखते हैं उसका आपको यहाँ पे डायरेक्टली आपको हॉट की है। तो यहाँ पे नेटफ्लिक्स आपको देखना है, नेटफ्लिक्स प्रेस कीजिए, आपका टीवी पे डायरेक्टली नेटफ्लिक्स आपका लॉन्च हो जाएगा। जैसे दिखा रहा हूँ मैं आपको, नेटफ्लिक्स में प्रेस किया आपका टीवी पे नेटफ्लिक्स लॉन्च हो जाएगा। तो देख सकते हैं आपका नेटफ्लिक्स आ गया। तो इस प्रकार जो है आपका यहाँ पे यूज़ करना काफ़ी ईजी हो जाता है। नेक्स्ट जो होता है कि SDR,
जैसे आप देखते हैं कि तो ये टीवी जो है आपका HDR 10 प्लस के साथ आता है, तो HDR जो क्या करता है, आपका जो HDR वाले कंटेंट है उसी को ही सिर्फ क्या कर सकता है, स्केल कर सकता है। लेकिन इस टीवी का बेनिफिट ये है, ये नॉन HDR कंटेंट को भी काफ़ी अच्छा स्केल करता है। तो मैं दिखाता हूँ कैसे। तो यहाँ पे देख सकते हैं सेटिंग में अगर आप जाएंगे, तो सेटिंग में आपको यहाँ पे देख जाता है, पिक्चर सेटिंग में जानी है और यहाँ पे आप जाएंगे एक्सपर्ट सेटिंग, और यहाँ पे देखेंगे आपको दिया जाता है ऑटो HDR रिमास्टरिंग। ऑटो HDR रिमास्टरिंग क्या करता है, HDR जो कंटेंट है, HDR कंटेंट जो है उसको भी क्या करता है, ये HDR में कन्वर्ट कर देता है। जी हाँ, तो आप अगर नॉन HDR वाले कंटेंट देख रहे हैं उसमें भी आप HDR का बेनिफिट ले सकते हैं, अगर ये ऑप्शन को आपने ऑन कर दिया है तो काफ़ी अच्छा आप स्केलिंग करेगा, आप डिटेल्स मिस नहीं करोगे, ब्राइट कंटेंट देख रहे हैं या फिर आप डार्क कंटेंट देख रहे हैं। यहाँ पे आपको मिल जाती है सोलर सेल रिमोट। तो इसका बैटरी कैसे चेक करना है, बैटरी चेक करने के लिए कितना मेरा रिमोट का बैटरी है वो चेक करने के लिए आपको जानी है, सिंपल जानी है जनरल पे, और यहाँ पे जाएंगे और आपको जानी है सबसे नीचे में देख सकते हैं पावर एंड एनर्जी सेविंग, और यहाँ पे जा करके आप देख पाएंगे कि आपका रिमोट का बैटरी कितना है, 81%। तो आपका बैटरी कितना है, 81%। अगर आपको लगता है ये फुल नहीं है मुझे फुल करना है, तो आप अपने मोबाइल का चार्जर से आप इसे फुल कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ जो अभी तक इन्फॉर्मेशन दिया आपको काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर मैं नेक्स्ट बात करता हूँ यहाँ पे, तो ये आप देख सकते हैं आपका इसका यूज़र इंटरफेस है। तो यहाँ पे सारी एप्लीकेशन आपको मिल जाती है ऊपर में, लाइक जो भी देखते हैं, लाइक नेटफ्लिक्स हो गया, प्राइम वीडियो हो गया, हॉटस्टार हो गया, एप्पल टीवी, यूट्यूब, जियो सिनेमा एंड ऑल, तो सारे आपको यहाँ पे मिल जाती हैं एप्लीकेशन यूज़ करने के लिए। बाकी यहाँ पे जो कंटेंट है तो सारे मिल जाते हैं, लाइक नेटफ्लिक्स हो गया, प्राइम वीडियो, आपका सारा मिल जाता है यहाँ पे। तो आपको कंटेंट ढूंढने में डिफिकल्टी नहीं होगी, इजी होगा। साथ ही साथ ये रिकमेंड भी करते हैं कौन से टाइप के आप कॉन्टेंट यहाँ पर देखते हो। तो लाइक यहाँ पे सारे टॉप जो कॉन्टेंट है वो आप देख सकते हैं यहाँ पे। इसके साथ यहाँ पे मिल जाती है आपको एम्बियंट मोड। एम्बियंट मोड जो है आपको सैमसंग टीवी में मिल जाती है, जहाँ पे क्या होता है एम्बियंट मोड, जब आप टीवी नहीं देखते तो आपका टीवी दिखता है लाइक ब्लैक, राइट। तो यहाँ पे आपके पास बहुत सारे आर्ट्स दिए गए हैं, यहाँ पे यूज़ करके क्या कर सकते हैं आप, इसे एक परफेक्ट होम डेकोर या फ्रेम लाइक एक्सपीरियंस आप ले सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ, नहीं आपका ये सीट हो गया एम्बियंट मोड, राइट। तो ये परफेक्ट आपका फ्रेम लाइक एक्सपीरियंस दे रहा है, जैसे आप स्टिल फोटो इमेज आप लगा सकते हैं, इवन आप यहाँ पे अपने पर्सनल फोटोज़ आप यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे कलेक्शन हैं जिसे आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं उनके लिए परफेक्ट है ये बटरफ्लाई आप लगा सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये बटरफ्लाई जो है मूव कर रहा है, फ्लाई कर रहा है, ठीक है। साथ ही साथ यहाँ पे इसका जो आवाज़ है ना बटरफ्लाई का, वो भी फील कर सकते हैं। तो बटरफ्लाई का आवाज़ आप एक्सपीरियंस कर पा रहे होंगे, तो काफ़ी अच्छा यहाँ पे मिल जाता है आपको एम्बियंट मोड में। नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पे आपको मिल जाती है स्मार्ट थिंग्स आपको सैमसंग टीवी में मिलती है। तो आप जानते हैं कि सैमसंग जो है एक इकोसिस्टम दे प्रोवाइड कर रहा है, जहाँ पे सारे स्मार्ट अप्लाइंसेस को आप इजीली टीवी से कंट्रोल कर सकते हैं। लाइक अगर आपके पास फ्रीज है, वॉशिंग मशीन है, एसी है, ये सारे को कंट्रोल कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप इजीली क्या कर सकते हैं, बिल्ट इन IoT हब के द्वारा आप कंट्रोल कर सकते हैं। तो आपका नियर अबाउट जो भी डिवाइसेज है आप इजीली यहाँ पे कनेक्ट कर लीजिए, और आप टीवी से सारा, जैसे देख सकते हैं यहाँ पे वॉशिंग मशीन कनेक्टेड है, टीवी कनेक्टेड है, रूम एयर कंडीशनर कनेक्टेड है, तो आप यहाँ से ही आप मॉनिटर कर पाएंगे एज वेल एज आप कंट्रोल भी कर सकते हैं। इवन आप यहाँ पे देख पाएंगे कि आपका डिवाइस जो है 3D व्यू पे आप देख सकते हैं, जैसे आपका घर पे लेआउट होता है सिमिलरली आपका किसी रूम में मान लीजिए फ्रिज लगा है, किसी रूम में वॉशिंग मशीन लगा है, उसी प्रकार से यहाँ पे दिखेगा। तो ये आपको व्यू में या फिर मॉनिटर करने में काफ़ी हेल्प करता है। इसके साथ यहाँ पे आपको मिल जाती हैं आपका सेंसर्स वगैरह देख सकते हो यहाँ पे। तो अगर सेटिंग में जाएंगे तो यहाँ पे हो जाता है सेंसर्स, तो यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको 3 सेंसर्स मिलने वाले हैं सैमसंग टीवी में, लाइट सेंसर, कैमरा सेंसर एंड साउंड सेंसर। तो ये काफ़ी यूज़फुल फीचर है, लाइट सेंसर, कैमरा सेंसर एंड साउंड सेंसर। लाइट सेंसर ये और कैमरा और साउंड, इस तीनों के बारे में मैं सेपरेट बता दूंगा। बाकी यहाँ पे डिवाइस ऐड करना है स्मार्ट थिंग के थ्रू कंट्रोल करने, सब कुछ आप कर सकते हो यहाँ से। नेक्स्ट इस टीवी में आपको मिल जाती है मल्टी व्यू। मल्टी व्यू क्या है, मान लीजिए कि आप
आपको एक मूवीज़ देखना है, आपके घर में जो मेंबर है उनको न्यूज़ देखनी है, तो आप एक ही टीवी पे दोनों एट द सेम टाइम नहीं देख पाएंगे। बट यहाँ पे क्या है, मल्टी व्यू में एट द सेम टाइम आप क्या कर सकते हैं, दो प्रोग्राम देख सकते हैं। तो मेक माई ऑन पे जाता हूँ और यहाँ पे आप देख सकते हैं लेआउट है, तो ये है PNP एंड ये है PIP। तो मैं PNP सेलेक्ट करता हूँ। तो यहाँ पे एक तरफ आप यहाँ पे लाइक सैमसंग टीवी प्लस रख दिए, दूसरी तरफ आप यूट्यूब इंटरनेट ब्राउजर के द्वारा कर सकते हैं। और इसको मैं सेव कर देता हूँ। तो यहाँ पे एक तरफ देख सकते हैं आपका जो है मान लिया DTH लगा हुआ है, तो इधर मूवी देख सकते हैं, दूसरी तरफ आप यूट्यूब से कॉन्टेंट देख सकते हैं। इधर पर आपका आएगा TV स्पीकर से और इधर का जो साउंड आप सुन पाएंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं आपका ब्लूटूथ ऑप्शन दे रहा है, यहाँ पे आप नेक बैंड कनेक्ट करके आप इजीली क्या कर सकते हैं, एक्सपीरियंस कर सकते हैं, साउंड सुन सकते हैं। यहाँ पे आपका साइज है इसका चेंज करने का, तो बड़ा छोटा भी कर सकते हैं स्क्रीन साइजेस को, तो देख सकते हैं बड़ा या छोटा वगैरह कर सकते हो एज पर योर नीड। इसके साथ यहाँ पे आपका ये आप देख सकते हैं, ये आपका ऑप्शन है, आपका इंटरनेट ब्राउजर के थ्रू भी देखना है तो आप लेआउट चेंज कर सकते हैं। सो ये अभी यूट्यूब था, अभी ब्राउजर के थ्रू आप देख सकते हैं, तो ये ब्राउजर पे आ गया। तो मान लीजिए आप TV देख रहे हैं और यहाँ पे आपको कुछ अपडेट जाननी है तो यहाँ पे भी देख सकते हैं आप, लाइक हॉटस्टार हो गया, MX प्लेयर हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, अमेजोन हो गया, तो ये सारा जो है आपका इजिली ओपन हो जा रहा है। तो यहाँ पे दो विंडो पे आप प्रोग्राम देख सकते हैं। नेक्स्ट आपको यहाँ पे मिल जाती है सैमसंग टीवी प्लस, जहाँ पे आपको सैमसंग टीवी प्लस आपको सिर्फ सैमसंग टीवी मिलती है, जहाँ पे 100+ ऑफ चैनल्स मिल जाती हैं। यहाँ पे कौन सा मिल जाती है मैं दिखा दे रहा हूँ। तो चैनल चेक करने के लिए क्या करना है, आपको ऑल सेटिंग पे जाना है और आपको जानी है जनरल एंड प्राइवेसी, और यहाँ पे जाना है आपको पैरेंटल सेटिंग। पैरेंटल सेटिंग पे जाएंगे चैनल लॉक सेटिंग एंड आपको यहाँ पे देख सकते हैं आपका 110 चैनल्स अवेलेबल है। तो ये जो आपका मूवीज़ हो गया, न्यूज़ हो गए, स्पोर्ट्स हो गए, सारे टाइप के ही चैनल्स आपको अवेलेबल हो जाती हैं। इवन आप इसमें से कोई चैनल आप लॉक करना चाहते हैं तो लॉक भी कर सकते हैं। मैं दिखाता हूँ लॉक कैसे करेंगे। तो चैनल आपको क्या करना है, जैसे लॉक पे जा रहे हैं तो यहाँ पे सिलेक्ट करना है कौन सा चैनल। तो मान लीजिए मुझे आज तक लॉक करना है, तो आज तक सिलेक्ट किया और इधर पर जा करके हम क्या कर सकते हैं, लॉक कर सकते हैं। तो यहाँ पर पिन डाल दीजिए, इससे होगा क्या कि जिसको ये पिन मालूम होगा वही सिर्फ चैनल को एक्सेस कर पाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे आपको मिल जाती है वीडियो कॉलिंग के लिए आपको मिल जाती है फीचर्स गूगल मीट। तो गूगल मीट पे आप वीडियो कॉलिंग कर सकते हैं। अभी आप फ़ोन से वीडियो कॉलिंग करते हैं स्मॉल स्क्रीन साइज से, अभी आप फ़ोन के बदले आप टीवी से कीजिए, जहाँ पे बड़े स्क्रीन साइज पे आपको फील होगा जैसे आप आमने सामने फेस टू फेस आप बात कर रहे हो। तो यहाँ पे क्या करना है, USB कैमरा कनेक्ट करनी है। तो यहाँ पे ये सपोर्टेड कैमरा के मॉडल हैं, मैं लिंक आपको दे दूँगा कौन से कैमरा सपोर्ट करता है, आप उसे परचेज करके इसमें कनेक्ट कर सकते हैं और आप डायरेक्टली TV to TV वीडियो कॉलिंग कर सकते हैं। इसके साथ यहाँ पे मिलते हैं आपको म्यूजिक सिस्टम दैट इज ट्यून सेशन। सो आप लाइक गाना सुनना पसंद करते हैं, TV आप नहीं देखते एवरी टाइम, तो यहाँ पे आपको मिल जाती है। तो यहाँ पे आप ब्लूटूथ एंड पेनड्राइव के थ्रू आप गाने प्ले कर सकते हैं और यहाँ पे आपको मिल जाती है थीम जिसे आप चेंज कर सकते हैं। और यहाँ पे है शोकेस डिजाइन, जो लाइक ये हो गया एक्वेरियम, आपके घर में छोटे बच्चे हैं उन लोगों को काफ़ी अट्रैक्ट करेगा ये, तो जैसा फील हो रहा है जैसे आपके घर में लाइव एक्वेरियम है इस साइज का। तो यहाँ पे आपके पास 6 शोकेस डिजाइन है जिसे आप यूज़ कर सकते हैं एज पर योर नीड। इसमें आपके घर में अगर छोटे बच्चे हैं तो उनके लिए काफ़ी यूजफुल फीचर मिल जाती हैं आपको। मैं दिखा रहा हूँ आपको यहाँ पे किड्स TV, ये स्पेशली बच्चों के लिए डेडिकेटेड एप्लीकेशन है, जहाँ पे बच्चों से रिलेटेड जो है लर्निंग्स हो, इंटरटेनमेंट हो या फिर गेम, तीनों ही आप कर सकते हैं। जैसे देख सकते हैं गेम, लर्निंग एंड इंटरटेनमेंट। ये क्या करता है, आपके बच्चों के जो एज ग्रुप है, एज प्रोफाइल है, उसके बेसिस पे कंटेंट क्या करता है, रिकमेंड करता है या फिर शो करता है, बाकी सारा जो है कंटेंट वो हाइड हो जाएगा। तो मैं नाम लिख दे रहा हूँ, जैसे एक का प्रोफाइल मैं क्रिएट कर रहा हूँ और इसको करता हूँ नेक्स्ट। अभी सिलेक्ट करना है आपका एज ग्रुप क्या है, बिलो 4 ईयर्स, 5 to 7 ईयर्स, 8 ईयर्स एंड अबव। तो मैं 5 to 7 सिलेक्ट कर रहा हूँ। उसके बाद मुझे क्या करना है, थीम सिलेक्ट करना है, कौन सा थीम आप रखना चाह रहे हैं। तो लाइक अंडर वाटर मैं रख रहा हूँ और इसको स्टार्ट करता हूँ। तो ये जो बना प्रोफाइल बन गया एक बच्चे का, इसी प्रकार आप 6 प्रोफाइल आप क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, अगर आप लेफ्ट साइड में जाएंगे तो इंटरटेनमेंट रिलेटेड ये सारे कंटेंट अवेलेबल है। आप लर्निंग से रिलेटेड चेक करना चाहें तो लर्निंग से रिलेटेड ये सारे कंटेंट अवेलेबल है। गेम्स भी हैं यहाँ पे जो बच्चे खेल सकते हैं, वो यहाँ पे गेम है जो माइंड मैपिंग एंड ब्रेन मैपिंग के लिए दिया गया है। एंड यहाँ पे एक्टिविटी है, सो मान लीजिए आप घर पे आप नहीं हैं, आप जॉब होल्डर हैं,
आप घर पे नहीं रहते हैं, आपके पीछे भी बच्चे कितना टाइम लर्न करता है, कितना टाइम गेम खेलता है, सारे कुछ आप इजीली मॉनिटर कर सकते हैं, यहाँ पे आपको दिखता रहेगा। इसके साथ जो है यहाँ पे आपको मिल जाती है इसका ऐप स्टोर, तो देख सकते हैं यह है आपका ऐप स्टोर। यहाँ पे क्या कर सकते हैं आप, एप्लीकेशन जो है इंस्टॉल कर सकते हैं, जैसे बहुत सारे एप्लीकेशन यहाँ पे देखने को मिल रही है, तो ये सारे एप्लीकेशन है। और यहाँ पर आपको मिल जाती है वीडियो, स्पोर्ट्स, गेम, लाइफस्टाइल, इंफॉर्मेशन, ये सारे आपका एप्लीकेशन है। नीचे में पॉपुलर, इस वीक में कौन कौन से पॉपुलर एप्लीकेशन है जो ज़्यादा यूज़ किया गया है या फिर इंस्टॉल किया गया है, वो आपको दिखाता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं लाइक G5, सोनी लाइव, आई टेक, इंडिया टुडे, फीफा, ये सारे जो हैं जो एप्लीकेशन है वो ये क्या किया गया है, वाइडली यूज़ किया गया है या फिर इंस्टॉल किया गया है। ऊपर में अगर आप देखेंगे तो टॉप में जाएँ तो यहाँ पर आपका सर्च का ऑप्शन है, जहाँ से आप एप्लीकेशन को डायरेक्टली सर्च कर सकते हैं जो एप्लीकेशन आप इंस्टॉल करना है। सेटिंग पर अगर आप जाओगे तो यहाँ पे दिख जाएगा इसका मेमोरी, तो मेमोरी आपका अराउंड हो जाता है 4 GB के आसपास का मेमोरी मिलता है इंटरनल, जो एप्लीकेशंस के लिए है। और यहाँ पे अगर किसी नेट के थ्रू कनेक्ट करके रखते हैं तो ऑटोमेटिकली कोई भी इसका जो अपडेट आएगा एप्लीकेशन का वो अपडेट हो जाता है खुद ब खुद, तो आपको जो भी एप्लीकेशन है उसके नए वर्सन्स मिलते रहेंगे। ये एप्लीकेशन देख सकते हैं, तो यहाँ पे आप डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, कोई एप्लीकेशन मान ली एड होम पे स्क्रीन पे नहीं है तो यहाँ से क्या कर सकते हैं, जा करके ऐड टू होम वगैरह कर सकते हैं, या फिर लॉक कर सकते हैं, या मूव भी कर सकते हैं, कहाँ मूव कर दिया देख सकते हैं, मैंने मूव किया, या फिर आप डिलीट करना हो तो डिलीट भी कर सकते हैं। तो ये है आपका ऐप स्टोर जहाँ पे आप एप्लीकेशन इंस्टॉल कर सकते हैं एज पर योर रिक्वायरमेंट। नेक्स्ट आपको यहाँ पर मिलती है आपको यूनिवर्सल रिमोट सेटअप, ये देख सकते हैं। तो अभी क्या होता है, मान लीजिए आपने टीवी में साउंड बार कनेक्ट किया है टीवी के पास एंड आपका डीटीएच भी लगा हुआ है, तो तीनों का तीन रिमोट हो जाता है, जिससे आपका डिफिकल्टी होती है ऑपरेट करने में। तो यहाँ पे आप एक ही रिमोट से, इस रिमोट से आप अपने होम थिएटर को भी कंट्रोल कर सकते हैं, इवन आप सेटअप बॉक्स को भी कंट्रोल कर सकते हैं। तो आपको अलग अलग रिमोट कैरी करने की जरूरत नहीं है, आप यहाँ पर इजली आप सेटअप कर सकते हैं सिलेक्ट करके, जैसे स्टार्ट में जैसे ही किया यहाँ पर कौन सा इसे सेटअप करना है, होम थिएटर सेलेक्ट करना है, सेटेलाइट बॉक्स सेटअप करना है, वो सिलेक्ट करने के बाद आप सेटअप कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट मैं बता दे रहा हूँ, तो मान लीजिए आपका टीवी रिटेल मोड में है, ये रिटेल मोड में है, इसको हम ऑफ कैसे करेंगे, तो रिटेल मोड पे जाना है और यहाँ पर जा करके क्या करना है, देख सकते हैं नीचे में है यूजर्स मोड, यूजर्स मोड को क्या करना है, ये 4 डिजिट होता है बाय डिफॉल्ट, और इसको सिलेक्ट करके क्या कीजिए, आप इसको होम मोड में कर दीजिए, तो आपका जो ये डेमो वीडियो चलते रहता है वो आपका नहीं चलेगा और आपका ये होम मोड पर आ जाएगा जो आप घर पे आप यूज़ करेंगे। जो फीचर्स थे और बेनिफिट्स तो मैंने आप सभी को बता दिया, ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगेंगे। थैंक यू सो मच।